साथ इस पर भी बातचीत करेंगे कि श्रीलंका में जो ट्राई सीरीज होने वाली है उसमें विराट और धोनी को आराम दिया गया और रोहित शर्मा के कंधों पर जिम्मेदारी होगी कप्तानी की, लेकिन हिंदुस्तान का परचम है और हिंदुस्तान का विराट परचम कैसे लहरा रहा है वर्ल्ड क्रिकेट पे। चलिए मनी सर, विराट कोहली से तो जब पूछा गया था कि क्या उनकी सबसे बड़ी जीत है, तो उन्होंने कहा मैं हेडलाइन के लिए नहीं खेलता हूं, मैं अखबारों के लिए नहीं खेलता हूं। तो मैं आपसे पूछ लेता हूं, विराट कोहली के करियर की ये जो दौरा है, जिस तरीके से साउथ अफ्रीका को वनडे और टी20 सीरीज में डोमिनेट कर कह रहा है, उनके करियर की अब तक की सबसे बड़ी जीत में गिनेंगे आप इसको? बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब साउथ अफ्रीका जा रही थी टीम तो सभी का ये कहना था, बल्कि मैं भी ये कह रहा था कि ये एसिड टेस्ट है इस टीम के लिए, यहां पर जाकर अगर जीतते हैं तो दमखम मानेंगे कि हाँ इस टीम में वो दमखम है। हम जिस यूनिट की बात करते हैं कि बहुत बेहतरीन यूनिट बन चुका है, तब हम मानेंगे। पहले दो टेस्ट मैचेस हारे जरूर, क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा था, इंडियन क्लोज गए। पहले दो टेस्ट मैचेस हारे जरूर, लेकिन तीसरे टेस्ट मैच में डोमिनेट करके जीते, उसके बाद वनडे सीरीज डोमिनेट करके जीते और उसके बाद टी20 भी डोमिनेट करके जीते। इससे एक चीज तो साबित हो गई है कि ये टीम बहुत बढ़िया यूनिट है। दूसरा, इस टीम का कैरेक्टर है, कैरेक्टर, जैसे सनी भाई भी कह रहे थे कि अपनी गलतियों के ऊपर, अपनी कमियों के ऊपर ये टीम काम करती है, जैसे इतना अच्छा प्रदर्शन रहा पहले दो टेस्ट मैच हारने के बाद। मैं भी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। सो ये चीज देख के मजा आ रहा है कि ये इंडियन टीम सोच रही है कि क्या गलतियां हो रही हैं, क्या क्या सुधार करने हैं और फिर कैसे जीता जा सकता है ऑपोजिशन को भी। और साउथ अफ्रीका जैसी कंडीशंस में आप जिस तरह से जीते हैं, इससे बहुत कॉन्फिडेंस आने वाला है। टीम को तो आएगा, सिलेक्टर्स को भी आएगा, और जो भारतीय क्रिकेट प्रेमी है जो सोच रहे थे कि एसिड टेस्ट है साउथ अफ्रीका का दौरा, उनको भी आएगा। अब साउथ अफ्रीका का दौरा खत्म हो गया है, फिर आपको ट्राई सीरीज खेलनी है श्रीलंका में, उसके बाद आईपीएल का लंबा सीजन होगा, लेकिन इस विक्ट्री से जो आपका अगला पड़ाव आ रहा है वो है इंग्लैंड, और इंग्लैंड में आपको पता है कि विराट कोहली का क्या हाल हुआ था, इंडियन टीम ने जीता भी नहीं बहुत टाइम से, उसके लिए बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा भारतीय टीम को, कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे कि हमने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया, अब इंग्लैंड को नहीं छोड़ेंगे। साउथ अफ्रीकन कंडीशंस ऐसी हैं, यहाँ पर बॉल हिलता भी है, बाउंस भी होता है, इंग्लैंड में केवल बॉल हिलता है, सो वहां पर बाउंस वाली परेशानी होने वाली नहीं है। और बिल्कुल सही कहा आपने, ये जो कॉन्फिडेंस यहाँ पर आया है इंडियन टीम को, ये जो भरोसा यहाँ जगह है, ये सेल्फ बिलीफ इंग्लैंड के दौरे पर भी काम आएगा। बिल्कुल, सेल्फ बिलीफ की बात कर रहे हैं मनी सर, तो सेल्फ बिलीफ दिखाई दिया एक खिलाड़ी का, सुरेश रैना की हम बात कर रहे हैं। आखिरी टी20 में उन्होंने बल्ले से भी कमाल किया, गेंदबाजी से भी उनका करिश्मा देखने को मिला और फील्डिंग भी उनकी जानदार रही। सुरेश रैना मैन ऑफ द मैच बने और किस तरीके से उनका कमबैक रहा इस ट्राई सीरीज में, टी20 सीरीज में। वो मनी सर, सुरेश रैना का कहना है कि उनका जो मिशन है वो है 2019 का वर्ल्ड कप खेलना। अभी आप उनकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हैं या आपको लगता है कि अभी शायद थोड़ा और प्रूव करना होगा अगर वनडे टीम में अपनी जगह बनानी है तो? पहले दो वनडे जो टी20 मैचेस हुए थे मुझे तसल्ली नहीं हुई थी, क्योंकि इधर भाग रहे थे उधर भाग रहे थे शॉट्स खेलने के लिए जिसकी की जरूरत नहीं थी। जो कल उन्होंने किया, क्रिकेटिंग शॉट्स खेले, देखा आप, उन्होंने अपनी क्रीज में खड़े होकर शॉट्स खेले या स्टेप आउट भी किया तो सही स्टेप आउट किया, ऐसा नहीं कि लेग स्टंप के बाहर भाग गए या ऑफ स्टंप के बाहर भाग गए। सो पहले दो टी20 मैचेस में भरोसा नहीं आ रहा था, लेकिन कल की बैटिंग देख के लगा कि अभी दमखम है और लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में उनकी जगह भी बनती है। सो नंबर चार पर जो देखा जा रहा है वनडे इंटरनेशनल्स में, अगर श्रीलंका में भी रन्स बना देते हैं, फिर आईपीएल में भी रन्स बनाते हैं, तो वो जगह ये हासिल कर सकते हैं। मनी सर, आखिरी टी20 में रोहित शर्मा ने कप्तानी की, भारत को जीत भी दिला दी, विराट कोहली नहीं खेल रहे थे उसमें, अब ट्राई सीरीज में जा रहे हैं, वहां भी उनको कप्तानी दी जाएगी, तो आप कैसे उनका कप्तानी का असेसमेंट देखते हैं, किस तरीके के प्लेयर आपको लग रहे हैं कि हम फ्यूचर के लिए एक टी20 कैप्टन डेवलप कर रहे हैं? स्मार्टर कैप्टन है, अगर आप टी20 क्रिकेट की बात करें जहां क्विक डिसीजंस लेने पड़ते हैं, क्विक फील्ड चेंजिंग करनी पड़ती है, क्विक बॉलर्स का चुनाव करना पड़ता है, उसमें मुझे विराट कोहली से स्मार्टर लगे शॉर्टर फॉर्मेट में। और शायद यही कारण है कि 2013-15-17 में आईपीएल जिताया उन्होंने मुंबई इंडियंस को, और आगे आने वाले टाइम में अगर ये अच्छा करते हैं ट्राई सीरीज में और फिर आईपीएल में, एक ऑप्शन जरूर हो सकती है विराट के कंधों से वो भार हटा के, अगर कभी ऐसी नौबत आती है रोहित शर्मा को दिया जा सकता है वो भार। जी हाँ बिल्कुल, रोहित शर्मा कप्तानी में तो टी20 में दम दिखाया उन्होंने, और साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो आखिरी मुकाबला था उसमें अपनी कप्तानी में जीत दिलाई।